नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान सी और बड़ी जल्दी से बनने वाली रेसिपी। बेबी पोटैटो आजकल बहुत आए हुए हैं, इसी मौसम में आते हैं, तो आज मैं इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ। बहुत टेस्टी बनते हैं ये, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इनको बिना छिलके उतारे मैंने इसे अच्छी तरह धोकर इसकी सारी जो मिट्टी होती है इसके अंदर वो अच्छे से निकाल लिए। कम से कम इसको 5 से 7 बार मैंने अच्छी तरह धोया है और इसका हम छिलका नहीं उतारेंगे, छिलके के साथ ही बनाएंगे। और मेरे पास है ये मेथी, ये एक गुच्छी मेथी है, इसे बारीक काट कर धो लिया मैंने और अच्छे से साफ किया हुआ। और मेरे पास है 2 प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, 4 कलियां लहसुन और छोटा अदरक का टुकड़ा, 2 टमाटर है मीडियम साइज़ के, 2 हरी मिर्च पीस लिए, अमचूर है, हींग डालूंगी 2 चुटकी और मैं डालूंगी अनारदाना, हींग और अनारदाना है, अनारदाना हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और इसे हम सरसों के तेल में बनाएंगे, ये सरसों का तेल है मेरे पास। और ये है हमारी मसालेदानी, इसके सारे मसाले हम यूज़ करेंगे, नमक, जीरा, धनिया, गरम मसाला, हल्दी, देगी मिर्च और जीरा, तो ये सब हम इस्तेमाल करेंगे। और हम इस सब्जी को बनाएंगे लोहे वाली कढ़ाई में, तो आइए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मज़ेदार आलू मेथी की सब्जी। पहले मैंने कढ़ाई को रखा है गैस पर, कम किया है और 1 बड़ा चम्मच में इसके अंदर सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल इसलिए क्योंकि सरसों के तेल में बहुत ही करारी और अच्छी बनती है सब्जी, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप नहीं खाते तो जो भी आप ऑयल खाते हैं आप उसमें बना सकते हैं। जिसे हमें गर्म होने देना है क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा कड़वा होता है, तो इसे गर्म होने से इसका कड़वापन इसका ख़त्म हो जाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो सरसों का ऑयल है इससे ये धुआं निकल रहा है, तो ये हो चुका है। अब मैं इसमें फटाफट से हींग डाल दूंगी और हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, या 1 चम्मच भी डाल सकते हैं क्योंकि ये इसमें अच्छा लगता है जीरा। और हम डालेंगे ये प्याज लहसुन का पेस्ट, जीरा थोड़ा लाइट ब्राउन होने देंगे, उसके बाद में प्याज लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लाइट ब्राउन होने तक हमें भूनना है। तब तक हमें क्या करना है, जो हमारे बेबी पोटैटो हैं उन्हें कोक की, ये हमारा मसाला भून रहा है, मैं ये बेबी पोटैटो को फोर्क की सहायता से छेद कर रही हूँ ताकि सारा जो मसाले हैं वो इसके अंदर तक चले जाएं। इस तरह से आपने और इसमें दोनों साइड फोल्ड ताकि अंदर तक इसके अंदर सारे मसाले चले जाएं। ऐसे सारे को करती हूँ। अब देखिए ये सभी आलू मैंने बेबी पोटैटो में ये ऑयल ये इस तरह से छेद कर लिए हैं, और हमारा मसाला भी भून गया है। हम टमाटर लास्ट में डालेंगे जब आलू गल जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि खट्टा जो होता है वो सब्जी को नहीं गलने देता। अब ये देखिए प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, गैस की फ्लेम को मैं स्लो करके हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले डाल रही हूँ, हम डालेंगे करारे बनाने मुझे ये थोड़े से, तो मैं लाल मिर्च 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप कम डाल सकते हैं, कम खाते हैं। मैंने डाली है 1/3 चम्मच हल्दी, 1/3 चम्मच मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच देगी मिर्च है, और ये जो पिसा हुआ धनिया है ये 2 चम्मच इसके अंदर डलेगा, इससे इसका टेस्ट आता है। नमक आप स्वाद अनुसार ले लें,
और ये सारे मसालों को मिक्स कर दें। अमचूर, अनारदाना और टमाटर, ये तीनों चीज़ें हम तब डालेंगे जब हमारे आलू गल जाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब मैं ये डालती हूँ इसके अंदर ये आलू, मेरे बेबी का पैटो। आप देख रहे हैं कितने अच्छे लगते हैं, वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ा आता है इन्हें खाने का। आप एक स्नैक्स के तौर पर भी इन्हें खा सकते हैं। तो साथ ही में डाल दी इसमें ये मेथी, मेथी से ये बहुत और ही टेस्टी लगेंगे। तो मुझे अच्छे से हिलाना है और इसे हम ढककर जब तक हमारे आलू ना गल जाएं तब तक पकाना। मैं इसे सिम पर ढककर पकने के लिए रख दूंगी। बीच बीच में हमें देखते रहना और हिलाना। देखा कितनी खूबसूरत सब्जी लगती है मेरी। अच्छे से नीचे से ऊपर तक आप इसे मिक्स कर दें और ढक दें। देखते हैं दोस्तों हमारे आलू मेथी का क्या हाल है। कपड़े की सरफस में इसको ढक्कन को हटाते हैं। ये देखिए खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल माय बेबी पोटैटो। कुछ हुआ इसकी हमारे आलू हैं, थोड़ा और समय लगेगा। अब देखिए ये आलू को मैं ऐसे करके देख रही हूँ, ये गल चुके हैं। ये देखो इस फेस पे आके मैंने इस पे टमाटर और एक तिहाई चम्मच अनारदाना और एक तिहाई चम्मच अमचूर पाउडर डाला है और इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। उसके बाद 5 मिनट और पकाना है। तैयार है हमारे बेबी पोटैटो विथ ग्रीन ग्रीन मेथी। पाँच मिनट में और इसे ढककर पकने दूंगी। 5 मिनट के बाद मैं अपने आलू को देखती हूँ, बिल्कुल रेडी है। अब देखें ये बिल्कुल जल गए। देखिए मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे सर्व करूंगी गर्मा गर्म रोटी पराठे चाहे मर्जी परोसो। तो मैं इसे बाउल में सर्व कर लेती हूँ। तैयार है हमारे बेबी पोटैटो विद ग्रीन ग्रीन मेथी के साथ। सुंदर लग रहे हैं, किसी का भी मन करेगा इसे खाने के लिए और आप इसे जरूर जरूर बनाएं, जरूर खाएं। बहुत टेस्टी और बहुत आसान रेसिपी है ये। और ये मार्केट में अभी आलू ये छोटे वाले, तो आप इस मौसम में इसका आनंद जरूर लें। तो किरण की रसोई से चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मैं बताती हूँ आपको ये बने कैसे, चटपटे मज़ेदार आलू। बहुत ही यम्मी है, मैं तो पूरा कटोरा खा सकती हूँ पर ये मेरी लंच रेसिपी है तो मुझे सबका ध्यान रखना है।
बहुत टेस्टी है ये, आप इसे जरूर बनाइएगा।